प्रताप, लेकिन देखिए जंग के मैदान से एक बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है। यूक्रेनी सैनिक की वर्दी पर आईएसआईएस का बिल्ला नजर आया। रशियन टीवी का अमेरिकी एजेंसी के हवाले से ये बड़ा दावा सामने आया है। आईएसआईएस के बिल्ले को लेकर रूस ने जाहिर है सवाल उठाए। रूस ने इसे यूक्रेन का चरमपंथी इरादा करार दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब इस खबर में क्या सच्चाई है, क्या असलियत है, क्या फसाना है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन देखते हैं कि रशियन टीवी ने यूक्रेन के आईएसआईएस कनेक्शन पर और क्या कुछ दावा किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेनी कमांडर के कंधे पर आईएसआईएस का बिल्ला दिखा। आरटी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, डोनेस्क में तैनात है यूक्रेन का यह कमांडर। कई यूक्रेनी सैनिकों के शरीर पर नाजी टैटू और चिन्ह नजर आ रहे हैं, ये रशिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इन सब से यूक्रेन की चरमपंथी एजेंडे का फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। खुलासा हो रहा है ये दावा। जेलेंस्की ने मई 2022 में खुद शेयर किए थे खोपड़ी वाले निशान। और देखिए रूस के इस बड़े दावे पर यूक्रेन क्या कह रहा है। यह सब सिर्फ और सिर्फ रूसी प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन तमाम खबरों से इनकार करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है यूक्रेन। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी खबर को? क्या वाकई आईएसआईएस का कोई कनेक्शन हो सकता है? यूक्रेन के सैनिक की वर्दी पर आईएसआईएस का बिल्ला, अगर यह खबर सही है तो इसके मायने क्या? देखिए, जो यूक्रेन के कमांडर के वर्दी पे आईएसआईएस का बिल्ला निकला है, दिखा है, मेरा मानना है कि ये काफ़ी हद तक एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है। एक तरीके का मोमेंटम, एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। एक रशिया ने कोशिश की है कि डिसक्रेडिट किया जाए यूक्रेनियन आर्मी को, और यूक्रेन भी इस समय डिस्परेट है कि कहीं से उसको मदद मिले। उसका ये मतलब नहीं कि वो आईएसआईएस है या कहाँ से उसको मदद मिल रही है। उसको जो भी विश्व से मदद मिल रही है वो रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने इसको एक नया प्रोपोगंडा का रूप दिया है। हालांकि युद्ध में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रोपोगंडा का हिस्सा लग रहा है। अगर आईएसआईएस का चिन्ह भी है तो उससे आपकी कॉम्बैट एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है? आप किस तरीके से आप उसको नेस्तनाबूद करते हैं, ये आभास है कि उसके लिए ये तो करो या मरो की लड़ाई है। अगर लड़ते हैं किसी भी तरीके से तो बचे रहेंगे, नहीं तो फिर यूक्रेन के अस्तित्व पर संकट तो दिखाई दे ही रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।